वेलकम बैक व्यूवर्स. हम बात कर रहे थे बिजनेस के हवाले से. शाह जी, एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या 10,000 में 15,000 में कोई बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. एक तो वाजह कर दूं, हमें हमारे बिजनेस में हर्डल है हमारी अना. हम लोग ना को बड़ा सा काम करना चाहते हैं, दफ्तर लगा के बेल दी, चाय ले आओ, ठीक है, बॉस बन के रोज गाड़ी में बैठे, दरवाजे लोग खोल रहे हैं, पीए साथ साथ फिर रहे हैं. ऐसे कारोबार नहीं होते. जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार किए ना, उन्होंने आगाज छोटा सा किया, फट्टा रख के, थड़ा रख के, रेडी से. बड़ी दुनिया ऐसी है जिन्होंने रेडी से शुरू किया काम. जो बंदा अपनी अना खत्म करके छोटा सा काम शुरू करता है, उसी के काम में अल्लाह बरकत डाल देता है. बिल्कुल, ये टूटना है ना, जो उनसा अना को खत्म करना है, इससे कारोबार शुरू होता है. हम अना को खत्म करते नहीं है, हम अना को पालते रहते हैं और फिर दुआ करते हैं या अल्लाह साडा कारोबार चल जाए. 10,000 रुपए से क्या किया जा सकता है? बड़ा सिंपल है. आप 10,000 रुपए से एक खुद करना चाहें तो अलग है, किसी के जरिए काम करवाना चाहें तो अलग है. फार्मूला ये है कि उसे कहें जी गुब्बारे खरीदे वो, और गुब्बारे खरीदने के बाद एक अच्छी सी रेडी जिसपे फ्लैक्स अच्छा लगा हो, अच्छा, और डिसेंट बंदा खड़ा हो, गुब्बारे जो उनसे हैं वो बना बना के डिसेंट वे में उन गुब्बारों को दे रहा है. सही. और कमाल ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, गुब्बारा देना, गुब्बारा पकड़ाना, साफ सुथरे कपड़े ये होने चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि हमने गुब्बारे वाले का तासुर सिर्फ एक ही सोचा हुआ है. हाँ, वो जो जूती फटी हुई है, कपड़े बुरा हाल है, मिट्टी पड़ी हुई है, और वो जनाब बीमार सा लग रहा है, पीली उसकी आंखें हैं, नाक उसका बहर है, और वो गुब्बारे बना बना के बेच रहा है. आप आज से ये तय कीजिए, काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है. जो छोटा सा काम शुरू कर सकता है ना, वो तरक्की करता है. बिल्कुल ठीक. और छोटे से काम से तरक्की की जा सकती है. ऐसे, अच्छा, इसमें मार्केट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसको कहते हैं सेलिंग स्किल. जिसको बेचना आता है ना, वो नहीं रोक सकता. मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहूंगा, जिसको बेचना आता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में खड़ा होकर बेच सकता है. बिल्कुल, वो हर चीज बेच देगा. वो ये पेन पकड़ेगा, वो उसकी सेलिंग स्किल ऐसी है, वो कहता है जी ये पेन जोन सा ना, ये आम पेन नहीं, इससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है. आप जो लिखेंगे उसी से आपकी जिंदगी बदलनी है. ये आप कलम की अगर आप लाज निभा देते हैं, तो कलम जोन सा कोई छोटी चीज नहीं होती. कलम का तो तस्करा कुरान में भी. अब यानी कलम एक ऐसी चीज है जिसको वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि इसके साथ फील बनेगी. जो अच्छी फील बनेगी वो कन्विंस कर देगी कि खरीदना चाहिए. कभी अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम किसी शॉप में किसी जगह पे गई हो और वहां जाके तुम खरीदना नहीं चाह रही, लेकिन सेल्समैन ने कमाल किया कि तुम्हें बेच दिया. ऐसा बाजों को बेचना आता है. जिसको बेचना आता है ना, वो याद रखो, वो उसके लिए बेचना मुश्किल नहीं. और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, बड़ी शॉप्स और बड़े इदारे ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा इनकम सेल्स वालों की होती है. क्यों? उनका कमीशन होता है. वो जो कमीशन है या उनको टारगेट्स मिले होते हैं, वो अचीव करते हैं सेल्स वाले, तो वो सेल्स के टारगेट्स अचीव होने से उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं. तो वो तो अपना तन मन धन लगा देते हैं.